एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। जो भी वो इंसान है जो आपके माइंड में है, चाहे वो करंट पार्टनर है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो एक्स हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें मेरे पास दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट नंबर वन, सेट नंबर टू, पर्पल कैंडल एंड द रेड कैंडल। इसमें हमने टैरो के साथ एक गाइडेंस कार्ड लिया है, जो कि गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है और आपके लिए उस तरह से भी हो सकती है कि आपको पता चले कि वो इंसान किस चीज़ को डील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइट मिलेगी उसकी सिचुएशन में या आपके अपनी सिचुएशन के लिए कि आप उस चीज़ को कैसे डील करो। सो स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग, बट बिफोर आई डू दैट मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन कौन सी रीडिंग्स, कौन कौन सी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ। अगर आप पे कर सकते हो और पेपाल के थ्रू वो भी, तो आप सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर वन से, देखते हैं कि जिन लोगों ने सेट नंबर वन चूज़ किया है, क्या उनके माइंड में जो भी इंसान है वो आपको मिस कर रहा है, कर रही है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द टैरो। पहले हम टैरो चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड लेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस टाइम के अंदर, इस सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप इस सिचुएशन से निकल कर उस सिचुएशन में आओ जो आप चाहते हो, डिजायरेबल सिचुएशन में। सो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत फील हुई क्लैरिफायर्स की, तो हम जैसे रीडिंग के साथ चलेंगे तो पता चलेगा, अगर ज़रूरत हुई तो हम क्लैरिफायर्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, द हेरोफॉन्ट। सो क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। तो आंसर है कि नहीं। ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, चाहे अगर आप इससे करंटली भी डेट कर रहे हो और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, तो नहीं करते ये मिस आपको, क्योंकि इनके माइंड में, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं एट अ टाइम जिससे ये डील कर रहे हैं। इसमें लाइक मतलब आंसर सुनते साथ ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी करेंगे भी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि जो फेज़ इनकी लाइफ में चल रहा है वो काफ़ी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, तो आपको सोचना या मिस करना उसके लिए इनके पास इतना टाइम नहीं है। जो मुझे लग रहा है, इनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ये काम, मतलब कोई ऐसा काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सपोज़ ये मतलब एक लड़का है या इवन लड़की भी है, आजकल तो लड़कियां भी जॉब करती हैं फैमिली को रन करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो इनके शोल्डर पे है, जिससे ये जान छुड़ाना चाहते हैं पहले, ताकि ये अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकें जो ये करना चाहते हैं। मतलब अभी जो भी ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये ज़्यादा टायरसम है इनके लिए, काफ़ी थका देने वाली चीज़ है जो ये कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेक केयर भी हो सकती है, वो फैमिली की टेक केयर हो सकती है, रिश्तेदारों की बातें हो सकती हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जिससे ये डील कर रहे हैं। और वो एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, जिनकी वजह से इनको आपके बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हो सकता है कि आप अगर इन टच भी हो इनसे, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ही कम हद तक होगी, ना होने जैसे ही कह सकते हो आप। और मुलाकात भी अगर आपकी होती होगी तो बहुत रेयर, मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब होगा कि बहुत कम आप मिलते होगे, और कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक लिमिटेड है अगर आप बातचीत कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो वो तो ऑब्वियस है कि ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है जिसके अंदर ये इतना खोया हुआ है कि, या खोई हुई है कि ये अभी फ़िलहाल कुछ और सोच ही नहीं रहे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कोई और लड़की या कोई और लड़का हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो भी चीज़ है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस तरह की किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रही है। कोई यहाँ पे एक इंडिविजुअल का कार्ड नहीं है, कोई पर्सन का कार्ड नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ ऐसा होता तो मे बी पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पे एक बंदा अपने ही चीज़ों के साथ, लाइक मे बी उनकी गोल्स हों कुछ,
जिनके साथ वो बिजी है डील करने में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो जान छुड़ाना चाहते हैं करके, या एक गोल है जो अचीव करना चाहते हैं बिफोर ही या शी अचीव्स दैट गोल, उनके लिए शादी लव लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। तो अगर आप क्वेश्चंस, अगर आप सोचते हो कि मैं तो इनको बहुत मिस करती हूँ या बहुत मिस करता हूँ, तो पता नहीं ये बंदा या बंदी मुझे मिस करती है या नहीं, नहीं करते, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये इंसान फ्री होगा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जब ये इस टायरसम एटीट्यूड सॉरी नॉट एटीट्यूड टायरसम एक सिचुएशन जो चल रही है उससे जब ये निकलेंगे, तो तब ये आपको मिस करेंगे या तब ये सोचेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में। अभी इनके माइंड में ये प्रायोरिटी नहीं है, अभी इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ और हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको मिस करते हैं। हम क्लैरिफायर लेंगे यहाँ पे हिरोफान के लिए, देखते हैं कि व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट। हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर्स हो जिनको ये डील कर रहे हो, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा ध्यान सारा उस तरफ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लॉयर हो, या इस तरह की इनका इनका जॉब इस तरह का हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं ये, मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, उसके अलावा लीगल मैटर से डील करता हुआ कुछ भी हो सकता है, और जहाँ पे इनके ऊपर बहुत बर्डन है। हो सकता है कि ये अपनी अपने जो भी इनकी जो भी वो है फील्ड है उसमें ये टॉप 3 रैंकिंग में आते हैं। हो सकता है, मतलब जैसे एक एक जो भी रैंक्स होती हैं उसमें मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको खुद के लिए या उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता जो कि ये चाहते हैं। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन स्टिल हम क्लैरिफायर लेंगे। जब ये इस चीज से फ्री हो जाएंगे, तो तब ये तब ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। अब वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, अगर स्पेशली अगर आप इन टच नहीं हो, तो ये आपके बारे में सोचेंगे या किसी और के बारे में सोचेंगे वो देख नहीं रहा, क्योंकि तब ये कंसिडर करना शुरू करेंगे अपनी लव लाइफ के मैटर्स को। अभी फ़िलहाल इनकी प्रायोरिटी या इनके माइंड में एक चीज़ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इस सब से वो डील कर चुके होंगे, मैनेज कर चुके होंगे, जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो इनको लगता है कि बर्डनसम है, उससे मैं पहले फ्री हो जाऊँ फिर मैं लव लाइफ के बारे में सोचूंगा, तो जैसे ही वो चीज़ होती है तो तब ये डिसीजन लेंगे किसी एक इंसान के लिए। हो सकता है आपको चूज़ करने से पहले या किसी और को चूज़ करने से पहले ये कंसिडर करें डिफरेंट लोगों को, और फिर उसमें से कोई एक चूज़ होगा, वो आप भी हो सकते हो, वो कोई और भी हो सकता है। क्योंकि किसी एक इंसान की एनर्जी नहीं आ रही यहाँ पे, आ रहा है कि विद द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब इट्स मोर लाइक कि ये इनके पास जो भी ऑप्शंस होंगे ये उनको कंसिडर करेंगे, और फिर जाकर ये कोई डिसीजन अपना लेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में। लेकिन जब तक ये इस एनर्जी से नहीं निकल पाते, तब तक इनके लिए मुश्किल है कि ये लव लाइफ के बारे में सोचें। और जो मुझे चलो एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि जो भी ये इंसान है ये इस सब में से जल्दी निकलेंगे या इनको अभी टाइम लगेगा। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, जल्दी निकल आएंगे इस सब में से। मुझे लगता है कि अभी भी अगर ये चाहें तो इन इन लव लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से एक अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ ब्लॉक है इनकी तरफ से, जो इनको लगता है कि नहीं, मुझे पहले सारी चीज़ों से डील करना है एंड देन ओनली मैं इस लव लाइफ के झमेले में पड़ने वाला हूँ या पड़ने वाली हूँ। सो ये एनर्जीज हैं इस इंसान की। तो देखते हैं अब आपको और एक गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, जो लोग इन टच नहीं है इस इंसान से, और क्योंकि मैंने मुझे लग रहा है कि ये इंसान कंसिडर करेगा जो इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप आउट ऑफ टच हो इनसे, तो आपको चाहिए कि आप किसी ना किसी, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो सिर्फ तभी, आपको चाहिए कि आप इनकी लाइफ में किसी भी तरह से एंटर हो जाओ वापस से,
और क्योंकि ये जल्द ही एक डिसीजन अपनी लव लाइफ में लेंगे, अगर आप इनकी लव लाइफ का पार्ट नहीं, इनकी लाइफ का पार्ट नहीं हो, तो वो आप नहीं होगे, वो कोई और होगा। तो अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो और आप इनको लाइक करते हो और आप चाहते हो कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो, तो आपको चाहिए कि आप इनको हाय हेलो का मैसेज करो या इन टच हो इनके साथ किसी भी तरह से। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्सेसिव नहीं हो जाओ, जस्ट दैट कि इनको पता हो कि हाँ ये भी बंदी एक मेरी लाइफ में थी जिसने ये, अब ये भी बंदा एक मेरी लाइफ में था जो कि मुझे मुझे प्यार करता था या मुझ में इंटरेस्टेड था, तो वो आपको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर हो तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रेजेंस इनकी लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस ओरेकल कार्ड, होल्ड ऑन। यप, तो देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। पहले हम पिक्चर देखेंगे। मुझे लगता है आप जब इनके बारे में सोचते हो तो आप मतलब जो आपका आपके लिए काफी हार्ड होता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिर्फ माइंड में रखो। बहुत कुछ ऐसा भी है इनके साथ आपका जो कि शायद आप जिससे खुश नहीं हो इमोशनली। तो आपको इट्स लाइक कि शायद मुझे लग रहा है कि आप कहीं खुद से भी थोड़ा कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, मुझे नहीं लग रहा वो एनर्जी आपकी तरफ से ऐसा कुछ है। मुझे लग रहा है कि नो डाउट आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उस लेवल की शिद्दत मुझे नहीं नज़र आ रही इसमें। और स्पेशली अगर आप इनसे इन टच नहीं हो तो, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो बहुत ज़्यादा और आप उस रिलेशनशिप को उस इंसान पे कभी आप गिव अप नहीं करते हो, और अगर स्पेशली आप आउट ऑफ टच हो तो मे बी आप मतलब आपको चाहिए होगा कि कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के दरमियान। मगर स्टिल एक होता है कि आपको यही इंसान चाहिए, आप इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चीज़ें इन्हीं के साथ वर्कआउट करना चाहते हो, वो एनर्जी मुझे लग नहीं रही आपके एंड से इनकी तरफ। लेकिन लेट्स सी, यू नीड टू बी मोर अडेप्टेबल एंड टॉलरेंट। आपको अगर आप इनके साथ मतलब अगर आप स्पेशली अगर इन टच हो इसके साथ, तो आपको एक चीज़ का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसका एटीट्यूड जो है जो आपकी तरफ है वो टॉलरेट करना पड़ेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ये इंसान हो सकता है इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल हो। और जैसा मैंने कहा, ये इतना आपको शायद टाइम नहीं देते होंगे, अगर देते भी होंगे तो बहुत लिमिटेड होगा। अपने आप को खुद मतलब खुद को आपसे दूर रखते होंगे और बहुत ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा आपको लगेगा। और अगर आपको ये वर्ड फील होता है कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इस इंसान के साथ रहते हुए, तो ये आपका पर्सन नहीं है। क्योंकि अगेन, अगर आप कंप्रोमाइज़ करो, दैट मीन्स कि आप इमोशनली अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो इस इंसान के एटीट्यूड के साथ जो आपको ये शो कर रहा है। अगेन, वो एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो जैसे ये हैं, तो आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप इनका एटीट्यूड टॉलरेट कर रहे हो, तो ये अगेन ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, आप सही पाथ पे नहीं हो। क्योंकि जब आपको इस तरह की कोई चीज़ या मतलब वो एक तरह से आपको लग रहा है कि फिर आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ मैं चलना चाहती हूँ या चलना चाहता हूँ, जो कि गलत है। आप हमेशा तब राइट पाथ पे हो जब आपको लग रहा है कि ये इंसान ही आपको खुशी देता है जो आपको चाहिए, चाहे वो कैसा एटीट्यूड उसका क्यों ना हो आपके साथ, आप लेकिन उसमें खुश हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। वो अनकंडीशनल लव अगर आपका इस इंसान के लिए है, देन ओनली आप इसके साथ स्टे करो या वेट करो इस इंसान का। अगेन, अगर आप हाफ हार्टेडली इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो, तो आपको चाहिए कि इससे अच्छा आप अपनी लाइफ को लाइफ में आगे मूव ऑन करो किसी और के साथ।
अगर आप दिल से प्यार करते हो तो आपके माइंड में कभी एक चीज़ नहीं आएगी कि मैं तो बर्दाश्त कर रहा था इसको या बर्दाश्त कर रही थी इसको, इसके एटीट्यूड को, इसका मुझे टाइम ना देना, मैं उसको टॉलरेट कर रहा था, या इस टाइप की चीज़ें तब आपके माइंड में आएंगी। हो सकता है जो भी इंसान हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो सकता है कि ये आर्ट्स या इस तरह की चीज़ों से कनेक्टेड हो, या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सॉरी पब्लिक स्पीकिंग, या इस तरह की कोई किसी यू नो एक्टिविटी का पार्ट हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप हो, और आपको वैसा चाहिए जैसा कोई आप जैसा हो, तो ये आपके लिए नहीं है। फिर से मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बंदा या बंदी है, लेकिन आपको ये पसंद है। हो सकता है ये आपका क्रश हो, लेकिन अगर आप आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर बन के आता है या आती है, तो ये आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है सोशल स्टेटस का भी हो डिफरेंस, लेकिन एक मेंटल कंपैटिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों यू नो आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हो, मतलब बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो। और कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान का वेट करते हो या इस इंसान के साथ चीज़ें बनाना चाहते हो, तो ये सही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये राइट ऑप्शन है आपके लिए। आपको चाहिए कि आप मूव ऑन करो। एज द कार्ड सजेस्ट, इट्स टाइम फॉर चेंजेस एंड न्यू बिगिनिंग्स। मुझे नहीं लगता कि ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी इस इंसान के साथ अच्छी रहेंगी या पॉसिबल होगा, क्योंकि अगेन आप दोनों का मेंटल एक वो जो है कंपैटिबिलिटी वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इंस्टेबिलिटी एक इस कनेक्शन में ज़रूर रहेगी, क्योंकि अगेन आप दोनों बिल्कुल और तरह से हो। आप जिन चीज़ों का मतलब इट्स लाइक कि आपको अगर रेड पसंद हो, अगर आपको व्हाइट पसंद होगा, इनको ब्लैक पसंद होगा, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे। और ये खाली कुछ होता है ना कि आप जब ऑपोजिट होते हो तो स्टिल आपकी कुछ चीज़ें इतनी क्लिक कर जाती हैं कि आप लोगों को लगता है कि नहीं यही है। अगेन रिमाइंड करवाऊंगी कि शुरू में जैसे मैंने बोला, अगर आप इनको दिल से प्यार करते हो और अगर आपको ये फीलिंग इनके साथ रहते हुए नहीं होती कि मैं तो कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देन गो फॉर दिस कनेक्शन। अदरवाइज ये इंसान आपकी तरह का, जैसे स्पेशली अगर आपका क्रश है ये इंसान, तो ये बिल्कुल आपकी यू नो आइडियल पार्टनर के जैसा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप यू नो दूर से एक इंसान को देख के आइडियलाइज करना शुरू कर दो, वो चीज़ गलत है। अगर आपको प्यार है, अगर आप जानते हो इसको अच्छे से और आप चाहते हो कि यही आपका लाइफ पार्टनर बने, और अगर आप डिटैचमेंट में हो तो आप इनकी लाइफ में वापस आओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके आपका कनेक्शन वो है ही नहीं इनके साथ जिसमें आपको लगे कि नहीं यही आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो फिर आपके लिए बेटर ये है कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर हो। तो कहीं ना कहीं आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस किस स्टोरी से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, या ये आपका क्रश है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्शन में कभी नहीं रहे हो, जिनको शायद आप अच्छी तरह से जानते भी नहीं हो, लेकिन हाँ मे बी आपकी क्लास फेलो हो, कोलीग हो, या आप किसी कोई ऐसा बंदा हो जो या बंदी हो जिसको आपने थोड़े टाइम के लिए जाना है, देन आपकी बातचीत नहीं हुई। तो इन दैट सिचुएशन टू आपको इफ़ एंड ओनली इफ, अगर आप इनको दिल से प्यार करते हो और आप इनको वैसे एक्सेप्ट करते हो जैसे ये हैं, देन गो फॉर इट। उनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि ये जल्द ही अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके दिल में इनके लिए, तो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, इनके लिए वेट ना करो, क्योंकि आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहोगे इन दैट सिचुएशन, अगर आप इनको आइडियलाइज करते हो और आप इनको अच्छे से नहीं जानते। दूर से आपको शायद देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यू नो फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, अदरवाइज भी अच्छे हैं, लेकिन जब आप बातचीत करोगे, मिलोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो काफ़ी सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एंड देन आप खुश नहीं रहोगे इस इंसान के साथ। सो इट्स बेटर कि आप इसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। अगर मिली तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपकी सिचुएशन में, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माई ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेट। देखते हैं जिन लोगों ने सेकेंड सेट चूज़ किया, क्या उनका पर्सन उनको मिस करता है। रेड वन, लेट्स फाइंड आउट, होल्ड ऑन। सो येस, जिन लोगों ने सेट नंबर टू चूज़ किया, रेड कैंडल वाला, देखते हैं आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है या कर रही है या नहीं। हम स्टार्ट करेंगे पहले टैरो के कार्ड से, देखते हैं कि टैरो क्या कहता है, उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड पे जाएंगे।
सो लेट्स सी, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, यस और नो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स. बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है खुद को या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना. ये जितना कोशिश कर लें, जितना चाह लें कि आपके बारे में ना सोचें या आपके बारे में आपको मूव मतलब आपको छोड़ के मूव ऑन कर जाए, उनसे नहीं हो पा रहा. और कहीं ना कहीं इनका दिल दिमाग बार बार आपकी तरफ आता है और बहुत जल्द ये एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको ऑफर करने वाले हैं एक सॉलिड कमिटमेंट वाला लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है. और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे को कमिट करने वाले हो रिलेशनशिप में आकर. या तो ये शादी को लीड करेगा या तो एंगेजमेंट को, कुछ सॉलिड एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ, एक सॉलिड रिलेशनशिप की जो है फाउंडेशन रखते हुए आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलोगे. क्योंकि जो भी ये इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये आपका प्यार इनके लिए उसको मिस करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इनकी तरफ रही है हमेशा से, चाहे ये आपका करंट पार्टनर है, चाहे ये एक्स है, चाहे ये क्रश है, ये आपको डेफिनेटली मिस करते हैं. इनका ये शायद एक्सप्रेसिव ना रहे हो कभी भी आपके लिए, या आपको कभी इन्होंने बताया ना हो कि आपको लाइक करते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में आपका प्यार जो इनके लिए है वो छाया रहता है. और कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि जो प्यार, जो सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग आप इनको इनकी आपकी तरफ से इनके लिए होती है वो शायद कोई और नहीं कर सकता. ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, लेकिन इनसे हो नहीं रहा. और बहुत जल्दी ये ओवरवेलमिंग एक फीलिंग में आएंगे, जिसके बाद ये आपको रीच आउट करके आपसे ओपनली एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं. बहुत ओपन इनका मुझे लग रहा है एटीट्यूड होगा, क्योंकि जब ये आपकी तरफ मूवमेंट फॉरवर्ड करेंगे तो ये बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ होंगे. अभी मुझे लग रहा है कि ही या शी इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक टू 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 रियलाइज कि हाउ ओवरवेलमिंग द लव द फीलिंग इज गेटिंग, मतलब कितना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है टाइम के साथ साथ कि वो अपना इमोशन, अपना प्यार आपके लिए जो उनके दिल में बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करें. ये आपकी तरफ पुल फील करें, ड्रॉन फील करें, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें. जितना इनके बस में होगा ये उतना कोशिश करेंगे, एंड देन ये गिव अप करके आपके पास आएंगे और आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप इनको आपको ये प्रपोज करेंगे. और जब ये ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये अभी आएंगे और बोलेंगे कि चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं और फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, देखेंगे अगर सिचुएशन आगे चलती है तो हम मे भी शादी कर लें या कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं करेंगे. ये जब भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ तभी बढ़ाएंगे जब इनको 100% श्योर होगा कि हाँ, मतलब मुझे वाकई में इस इंसान से प्यार हो गया है. सो इवन अगर आप इनसे इन टच हो तब भी, अगर आउट ऑफ टच हो तब भी, आप इनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हो. जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, निकल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते ये आपको अपने माइंड से. और ये बहुत जल्द, इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको डाउट है या इनको मुझे लगता है कि जो भी इंसान है इनको बहुत अच्छे, चाहे आपने एक्सप्रेस किया हुआ है अपना प्यार या नहीं, चाहे आपने, मुझे लगता है वैसे आपने एक्सप्रेस किया हुआ है कि आप इनको प्यार करते हो, लेकिन मे बी ही या शी वॉज नॉट रेडी. तो अब इनको वो एहसास जो है वो बढ़ रहा है कि आप, हो सकता है अब आप इनके साथ बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ रहते हो, ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है वो एक चीज़, लाइक अगर स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टच हो तो ये आपके प्यार, आपकी आपके साथ गुजारा हुआ टाइम मिस करके आपके बारे में सोचते हुए आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. और बहुत जल्द ये उस इनको उतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड आपकी तरफ मूव करें. और हो सकता है कि ये एक इंसान ऐसा हो जो कि कभी भी इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ, कभी भी इन्होंने अपनी शायद फीलिंग्स या आपसे एक्सप्रेस नहीं की, ना ही अदरवाइज भी, मतलब लव से रिलेटेड नहीं लेकिन अदरवाइज भी. मे बी ये जो भी इंसान है बहुत ही एक स्ट्रांग माइंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन है, जो कि बहुत मुश्किल से ओपन अप करता है अपना हार्ट जो है वो किसी के साथ शेयर करेगा या करेगी. तो ये उस तरह की इंसान की एनर्जी है, लेकिन
जब इनको वो फीलिंग आएगी तो ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी तरफ ही आएं और आपको प्रपोज करें। देखते हैं कि ये आपकी तरफ कब तक आते हैं, जल्द ही या कुछ टाइम लगेगा, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी ये कब तक आपकी तरफ ये ऑफर लेके आएंगे, लेट्स फाइंड आउट। कितना टाइम लगेगा, जल्द आएंगे या कुछ टाइम लगेगा, लेट्स फाइंड आउट। बहुत जल्द, क्योंकि इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ ही जा रहा है, जो कि इनके लिए एक एक ऐसी फीलिंग है जो कि शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने खुद ही इनको कहा हो कि मेरी लाइफ में तभी वापस आना जब मैं जब आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए एक वो चीज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये खुद से कभी मतलब उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए फीलिंग्स, और जब इनके लिए अब वो एक एहसास इनके दिल में बढ़ ही जा रहा है आपके लिए, तो ये एक ऑफर के साथ आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन ये मुझे लगता है कि वो इंसान है जिसके लिए आपने हमेशा दुआ की कि ये आपके लाइफ पार्टनर बने। बहुत ज़्यादा प्यार आपने हमेशा इनको किया और काफ़ी टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो। साल हो सकते हैं, कुछ महीना वाला हिसाब नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम, काफ़ी ईयर्स आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप डिटैच भी हो सकता है आप इन टच भी हो, लेकिन आप दोनों का टाइम स्पैन जो है वो बड़ा है, एज इन के आपने एक साल से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही हैं इस कनेक्शन की, इस इंसान की, जो आपने जिसके बारे में पूछा है। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है जागते सोते उठते बैठते हर तरफ इनको आपका प्यार याद आ रहा है इस टाइम पे। इनकी सारी अटेंशन, सारा फोकस आप पे है, चाहे ये आपकी लाइफ में भी है या नहीं, आप आउट ऑफ टच हो या जो भी सिचुएशन है। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो इस टाइम पे, और हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड्स पे या आसपास के जो भी आपके करीबी दोस्त हैं उनसे आपके बारे में पूछ रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड ताकि जब ये आपको रीच आउट करें तो इनको ये फियर नहीं हो कि आप रिजेक्ट कर दोगे इनको, या रिजेक्शन वाली चीज़ नहीं मुझे लग रही, क्योंकि इनको इनको ये कंफर्म है कि आप इनको प्यार करते हो, इनको ये भी कंफर्म है कि आप इनका वेट करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक एक फियर को रूल आउट करने के लिए शायद ये इस तरह से अभी कुछ कर रहे हो। बी कंपैशनेट एंड पेशेंट विद लव्ड वंस, क्रिएट योर विजन्स एंड बी गोल ओरिएंटेड। हो सकता है कि आप ये कनेक्शन या आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए आप 24/7 इस इंसान के दिलो दिमाग पे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप करना शुरू अगर करोगे, अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस या विजन बोर्ड्स बनाते हो, जैसे कि इसमें है क्रिएट योर विजन एंड बी गोल ओरिएंटेड, अगर आप विजन बोर्ड बनाते हो या स्क्रिप्टिंग या अफर्मेशंस यूज़ करते हो इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए, तो आपके लिए इतने मिरेक्युलस रिजल्ट्स बनेंगे कि आपकी सोच है और जैसा आप चाहते हो इस कनेक्शन में वैसा ही हो जाएगा, और आप इस इंसान के दिलो दिमाग पे छाए रहोगे 24/7। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक तो इस कनेक्शन को जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहा है। आप हो सकता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला रहे हो थ्रू डिफरेंट नॉन फिजिकल मीन्स, लाइक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, जादू हो सकता है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ भी हो सकती है जो कि आप यूज़ करके इस इंसान को अपने पास लेके आ रहे हो, और वो भी कमिटमेंट के साथ। और आपने जो जिस चीज़ के लिए अंदर आप लगे हुए हो ना कि आपने ये ऑफर आपको चाहिए, ये आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ये इंसान आपका है और आपका ही रहेगा। और मज़े की चीज़ मुझे जो लग ही रही है वो ये लग रहा है कि आप लोग आपके आसपास के लोग आपको चाहे जो मर्ज़ी कहें कि पता नहीं ये लड़का तुम्हारे लिए या ये लड़की तुम्हारे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेम अगर उस लड़के की या उस लड़की के साथ हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, तो
तब भी ये उसको नहीं सुनेंगे, जो भी इनको दुनिया भर जहाँ का कोई बंदा आके कह दे कि या बंदी आके कह दे कि बेटा ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये प्रपोजल सही नहीं है, ये फिर भी आपके पास आएंगे। कोई भी चीज़ इनको आपके पास आने से रोक नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ इसमें मेंशन की हुई है कि अगर आप चाहो तो आप 2 हफ्ते के लिए पैरीडॉट स्टोन वियर कर सकते हो। स्टोन पैरीडॉट, ग्रीन पैरीडॉट आप अपने पहन सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव हो सकता है। 2 वीक्स के लिए आपको पहनना है ग्रीन पैरीडॉट स्टोन। और बस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।